और ये मूछें क्या ये इसे डिजाइन से रखनी है ये कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज मैं मौजूद हूं सैलून में, यानी कि सैलून नहीं है हमारा हाल ही है, लेकिन आज हमने उस हाल को सैलून बना दिया है। और आज हमारे दोस्त हैं अकरम भाई आज हमारे पास आए हुए हैं। और हम यहां पे जितने भी हाल हैं हमारे इस पट्टी में सब पे ये जाते हैं और वहाँ पर बाल वगैरह शेव वगैरह जो भी होती है बनाते हैं। तो ये देख सकते हैं कि अकरम भाई क्या हाल है, खैरियत है, मज़े में, तबीयत सही है जी। और क्या हाल चाल है? तो अकरम भाई जो है ना आते हैं हालों में और ये बिल्कुल वही सर्विसेज देते हैं जो हमें अच्छी से अच्छी सैलून पे मिलती हैं। लेकिन जो हमारे वेटर्स होते हैं, जो हम होते हैं, तो सैलून पे वहाँ पे चार्जेस ज़्यादा होते हैं। वो वहाँ पे कम से कम एक बंदे से कम 500 रुपये चार्ज कर लेते हैं, 300 रुपये चार्ज कर लेते हैं। लेकिन जब एक बंदे की दिहाड़ी 400 और 250 और 300 400 500 दिहाड़ी होगी, वो वहाँ से 300-400 उधर देगा तो उसके लिए क्या बचेगा? पर्दे से बंदा आया हुआ है और 400-500 ऐसे ही कर देगा तो क्या बचेगा उसके पास? तो दोस्तों आज अली रजा का नंबर है पहला। और अली रजा क्या कहोगे? नहीं कहेंगे, पहले बाल बन जाए, दाढ़ी बन जाए। और ये मूछें क्या ये ऐसे डिजाइन से रखनी है? ये ऐसे ही रखनी, ये ऐसे ऐसे ये निकली हुई चूंच निकली हुई मूछ नहीं है भाई, ये मूछ ये क्या है? अभी ये अकरम भाई भी आए हुए माशाल्लाह, ये देख रहे हैं कि पूरा काम सैलून वाला काम हो रहा है यहाँ पे और बिल्कुल ही ज़बरदस्त और सस्ते प्राइस में। और ये इनका ख्याल करते हैं, हमारा ख्याल करते हैं और कम प्राइस में वही काम कर दें जो तकरीबन हम सैलून पे 500-500 600-600 और 1000 में खर्च करके आते हैं। तो आपको दिखाते हैं अकरम भाई की मेहनत। सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे, हर चीज़ सामान अवेलेबल है और पूरा सिस्टम यहाँ पे इसने सैलून वाला ही बना दिया है माशाल्लाह। और ये देख सकते हैं कि शेप बनाने की जो मशीन होती है वो भी अवेलेबल है और चार्जर वगैरह का नंबर है। और ये देख सकते हैं कि ये अपनी लाइन में खड़े हुए हैं और जैसे ही बस अली रजा के बाल बन जाएंगे तो मोहम्मद नवाज़ और शमीला का नंबर है, फिर उनके भी बाल बनेंगे तो वो भी वीडियो दिखाते हैं। आज आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हालों में हमारे जो है ना बाल वगैरह कटते हैं। तो दोस्तों अकरम भाई अपना काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि बाल वगैरह बन रहे हैं, लड़के के शेप बन चुकी है, अली रजा की तो बन चुकी है। अभी ये अभी सईद भी आया है तो सईद की भी ये आप हालत देख सकते हैं कि मूछें और दाढ़ी बननी चाहिए। बननी चाहिए तुम्हारी? नहीं, हाँ बननी चाहिए, पैसे नहीं है ना। पैसे नहीं है बेटा, डिस्काउंटेड रेट चल रहे हैं, हाल पे आके बंदा बना के दे रहा है तुम्हें और इतना अच्छा काम करके दे रहा है, फिर भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है। और सैलून पे जाओगे खामा का 500-1000 रुपए तुम्हारे लग जाएंगे। 500-1000 का 80 रुपए में काम हो जाएगा भाई? कौन से 80 रुपए में काम होगा? वजह ये है कि आजकल फुटबॉल पे भी लोग बैठे हैं, हमारे जैसे भाई गरीब उनका भी भला हो जाएगा। हाँ, और इनका भी काम हो जाएगा। ये तो फिर वो बकरे वाले ही इसके बाल बाल काटेंगे ना, कि बकरे की कैंची होती है ना, कुर्बानी के गरीब लोग ऐसे ही पेलम पाली कर देते हैं। तुम्हें 80 रुपए में अगर कटवाने हमें बोलो, हम वैसी कटिंग करेंगे। सही बात है, ये मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो है ना सईद, ये प्याला पे वो नहीं बैठे होते हैं बकरे वाले जो बकरों के बाल काटते हैं, तो ये 80 रुपए में उधर से कटवाता है। इसको कोई मंगाता नहीं है, मंगाता नहीं है तो तभी आया है यहाँ पे, पूरे हालों में चल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे अली रजा की आप हालत देख सकते हैं कि ये तैयार हो चुका है और यहाँ पे इसकी मूछे ऊंचे वो जैसे तीर की तरह मूछे नहीं होती वो बनवाई है इसने, ये देखे तीर पागारे की गाड़ी है तीर। और यहाँ पे देख सकते हो इसके बाल वगैरह बन चुके हैं। अभी एक और ये भैंस है उसके भी बनने, सांड है काला सांड उसके भी बाल बनने, काला सांड बैठेगा उसका भी दिखा दे कि वो काले सांड के बाल भी बनाएगा। एक अकरम उसके बन जाएंगे ना बाल? सबके बनेंगे भाई, क्यों नहीं। एसी वगैरह ऊपर लगा हुआ है लेकिन एसी चल नहीं रहा, चल सिर्फ पंखा ही रहा है, एसी की इजाज़त नहीं है और सिर्फ दिखाने के लिए एसी है और चलेगा नहीं एसी। तो यहाँ पे एक लड़के के बन चुके हैं, एक दूसरे के बन रहे हैं, यहाँ पे शमीला बैठा हुआ है और एक सांड काला बाहर खड़ा हुआ है, उसके भी बनेंगे इंशाल्लाह। आप
देख सकते हैं कि सईद भी अपनी शेर वगैरह बनवा रहे हैं। सब हालों पे जाते हैं जितनी भी इस पट्टी में? नहीं, बाकी कहाँ कहाँ जाते हैं? बस मुख्तलिफ हॉल है जिनके कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए। अच्छा, क्योंकि हैं भी पुराने। तो ये तो यानी कि होम सर्विस हो गई? हाँ, होम सर्विस। घर में भी जाता हूँ मैं तो, होम सर्विस घर पे भी देता हूँ। अच्छा अच्छा। रात में 12 बजे के बाद कोई भी बुलाता है होम सर्विस। आपकी दुकान शॉप पर होता हूँ दिन में? अच्छा। मेरी टाइमिंग है वहाँ पर 11 रात 11 बजे तक। अच्छा अच्छा। तो इसलिए मुझे वहाँ से टाइम नहीं मिलता। सही बात। और मैंने असल में अपने ना पंपलेट बनवाए थे। अच्छा। तो मैंने काफी घरों में अखबार वाले से बंटवा दिए। सही। इस तरह से पिछला लॉकडाउन मेरा अच्छा गुजरा, अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा अच्छा। होम सर्विस मेरी लगी, लेकिन तो वो बंगले वाले जो अमीर लोग होंगे उनसे तो चार्ज सही करते हुए, ये जो हमारे बंदे हैं। देखिए, आप लोगों की पुरानी सलाम दुआ की वजह से भी चार्जेस कम है, फिर आप लोगों के काम के हवाले से कि इतना यानी कि नहीं अफोर्ड कर सकते जी जी। तो आप लोगों से ख्याल कर लिया जाता है। अच्छा। तो जो कि बड़े लोगों के यहाँ जिनके यहाँ जाना पड़ता है वहाँ पर उनके हिसाब से मैं सर्विस देता हूँ। अच्छा। वो लोग मुझे बोलते हैं मास्क वगैरह का इस्तेमाल रखें, सैनिटाइजर, डिटॉल, इस चीज़ों का। तो उसी हिसाब से मेरे चार्जेस वहाँ के 500 होते हैं कटिंग और कट। तो आपका मोबाइल नंबर वगैरह क्या है? मोबाइल नंबर है 0304267293। तो आप यानी कि भी एरिया में जहाँ भी कोई बुलाए तो वहाँ जाते हैं? दूर हो, करीब हो, दूर करीब कहीं भी बुलाए मैं जाता हूँ। अच्छा अच्छा, सही। यानी दूर होने का मसला ये है कि मैं उनसे कह देता हूँ कि आप मुझे पिक कर लें। अच्छा। हाँ। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त सर्विस है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे लड़के वगैरह जितने भी हैं, क्योंकि ईद कल परसों तक ईद है तो ये सब सेटिंग वगैरह करवा रहे हैं। और ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सैलून वगैरह में इस वक्त रश भी होगा और वो लोग इस वक्त ज़्यादा चार्ज करते हैं। ये है मेरा पंपलेट, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को यहाँ पर बहुत सारी जगहों पे दिया भी है। अच्छा। मेरा नंबर भी लिखा हुआ है इस पे, मेरे यानी कि जो भी आइटम किसी भी काम वगैरह का हो। अच्छा। इस पे सबके रेट लिखे हुए। सही सही। मसाज वगैरह कोई भी चीज हो, सब चीज और जो भी चीजें होती है, फेशियल वगैरह का, कलर का, ड्राई का, सही, यानी कि कोई भी मुख्तलिफ सब काम। तो दोस्तों, आपने अकरम भाई का नंबर देख लिया, सुन लिया और इनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप भी अगर यहाँ पे करीबी हैं तो आप भी बुला सकते हैं और अपने घर बैठे सर्विस का फायदा उठा सकते हैं माशाल्लाह। और ये हमारे आ सकते हैं, और खास करके जिनके घरों में बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग मर्द होते हैं, तो उनके पास भी ये जाते हैं, क्योंकि वो बेचारे माजूर होते हैं, कोई घूमने से कासरे कोई। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त सर्विस है, आप भी ये सर्विस जो है ना करवाएँ और फ़ायदा उठवाएँ। और जो है ना, अब क्योंकि हमारे लड़के वगैरह इस वक्त ईद है तो अगर सैलून पर जाएँगे तो इनके एक एक बंदे के 500-600 लग जाएंगे, और ये हमारा ख्याल भी करते हैं, तो 250-200-150 के अंदर हमारे लड़कों की सेटिंग वगैरह हो जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त सर्विस है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।